This is Nick Griemsmann, and this is the Hindi version of I Hate the Devil. मैं निक ग्रिम्समैन हूं और आपके सामने हिंदी अनुवाद I Hate the Devil यानी कि मैं शैतान से नफरत करता हूं उसका अनुवाद लेके आया हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं निक ग्रिम्समैन द फादर्स फ्रेंड की ओर से, जो कि फिनिक्स एरिजोना में है, आपके सामने पेश हुआ हूं। और आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि www.thefathersfriends.org के नाम से है। जब मैं 22 वर्ष का था तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मुझको स्किज़ोफ्रेनिया है, जो कि पागलपन की बीमारी कहलाती है। और मैं उस वजह से मेरे इतनी आवाजें मैं सुनता था कि मैं अपने मुंह से बोल भी ना पाता था। और ये जब था जबकि मैं इसके बावजूद कि मैं नए सिरे से उत्पन्न हुआ हुआ पवित्र आत्मा पाया हुआ मसीह जन था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, पवित्र आत्मा से भरा था। और उसके बावजूद भी मुझको ये आवाजें जो थी मुझको परेशान किया करती थी, जिनकी ये आवाजें जो कि मैं अपने दिमाग में सुना करता था। और उसके सबब से मैं बड़ा भयभीत रहता था और मेरे पेट में मरोड़े पड़ते थे। और इस वजह से 6 भिन्न भिन्न अस्पतालों में पूरे अमेरिका के अंदर में भिन्न भिन्न अस्पतालों में से होकर गुजरा। और ऐसा भी समय था जबकि मैं 8 से 10 दवाइयां दिन में खाया करता था ताकि मैं मानसिक रूप से सही रह सकूं। और ऐसा इस समय के अंदर नौकरी के योग्य ना था, इसलिए मैं कार्य ना करता था। मैं अपने माँ के साथ उसी के घर में रहा करता था। इस सीरीज का नाम जो कि I hate the devil यानी कि मैं शैतान से नफरत करता हूँ, क्योंकि जब मैं 22 वर्ष का था तो मैं एक आवारा सड़कों के ऊपर घूमा करता था, क्योंकि मेरे पास कोई घर ना था रहने के लिए। और ये हॉलीवुड के अंदर जो कि कैलिफोर्निया में, वहां पे मैं आवाजें सुना करता था। और एक दफा ऐसा हुआ कि मैं एक बस स्टॉप के ऊपर मैं सो गया। और जब मैं सुबह को उठा तो उस सड़क के ऊपर जिसके ऊपर के बड़ी सवारियां जा रही थी, मेरे को ऐसा आवाज सुनाई दी कि मुझको मसीह के लिए अपने आप को शर्मिंदा नहीं होना। और मैंने यूं सोचा कि ये परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जब आवाजें सुनते हैं तो यूं सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। और मैं इसके अंदर फर्क को महसूस नहीं कर पाता था कि परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट की ओर से है। आवाज को ना पहचान पाया और यूं सोचने लगा कि परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर ही मुझसे कह रहा है कि मुझको, क्योंकि शर्मिंदा परमेश्वर के लिए नहीं होना। और ऐसा हुआ कि मैंने अपने कपड़े उतारे और नंगा सड़क के ऊपर घूमने लगा हॉलीवुड कैलिफोर्निया में। पागलपन की बीमारी से पीड़ित 22 वर्ष की आयु के अंदर मैं इस बीमारी से पीड़ित था। और ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस आई और वो मुझको पागलखाने ले गई। और पागलखाने में मैंने अपनी नस को, जो कि मेरे कलाई के ऊपर थी, उसको मैंने ब्लेड से काटा। और मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि दुष्ट ने तो मेरे लिए जो नुकसान की चीज बनाई उसके अंदर से भी परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। और किस तरीके से परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया, मैं आपको उसको बताना मांगता हूं। और इसलिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूं और परमेश्वर का नाम जलाल पाए, हालेलुया, क्योंकि उसी ने मुझको इस पागलपन से आजाद किया। और ये तमाम 20 वर्ष की आयु से जो कुछ भी मैंने इस पागलपन की बीमारी में खोया अपनी उम्र को, वो सब के सब सालों को परमेश्वर मुझको लौटाएगा और मुझको फिर से उठा के बहाल करेगा। यूं समझिएगा कि वो जो कुछ मेरे को हानि शैतान ने की, वो सब की सब वो मुझको लौटाएगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, और परमेश्वर से निरंतर मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझको ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं दुष्ट को उसका पलटा दे सकूं। उसने मेरा ठट्ठा किया सबके बीच में, और क्योंकि शैतान ने मुझको सारी जनता के प्रजा के सामने, लोगों के सामने मुझको मेरा ठट्ठा किया और मेरे को परेशान किया। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझको दर्शन दे, मुझको बता कि मैं किस तरीके से शैतान का ठट्ठा सबके सामने कर सकूं। और ये इसी चीज का आरंभ है जिसके वजह से मैंने ये सीडी बनाई, आई हेट द डेविल या मैं शैतान से नफरत करता हूँ सीडी। और मैं इस सीडी के द्वारा ये बताना मांगता हूँ लोगों को, कि उनको समझाना मांगता हूँ, ताकि चाहता हूँ कि लोग ये जाने कि ये दुष्ट आत्माएं जो कि हैं उनके भीतर, उनको पहचाने और उनसे आजाद किए जाएं, क्योंकि सत्य जब वो जान लेंगे तो सत्य ही उनको आजाद करेगा। और जब मैं इस पागलपन की बीमारी से पीड़ित था तो मैं भिन्न भिन्न कलीसियाओं में जाता था और मेरी माँ भिन्न भिन्न कलीसियाओं में जाके मेरे लिए प्रार्थनाएं करवाती थी, पर कुछ भी काम ना आया। वे इस बात को मानने को तैयार ना थे कि मसीहों के अंदर भी दुष्ट आत्मा समा सकता है। और मेरी माँ तो इधर उधर जाती थी, पर मैं घर ही के अंदर रह के प्रार्थना किया करता था, और उस समय मैं प्रार्थना भी ना कर पाता था। मुश्किल से लगभग 30 सेकंड के लिए ही मैं प्रार्थना कर पाता था, क्योंकि मैं अपना मानसिक संतुलन खो देता था उसमें। और मैं क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ित था, इसलिए मैं मसीह से प्रार्थना किया करता था कि वो मुझको चंगाई दे, और उसने मुझको चंगाई दी। और मैं यही मांगता हूं आप लोगों के लिए भी कि आप प्रार्थना करें और चंगाई पाएं। और मेरी यही इच्छा है कि आप भी अपनी जंग को स्वयं लड़ें और अपने दुष्ट को मार के भगाएं, अपने शरीर के अंदर उसको जगह ना दें। और वो केवल मसीह के लहू के द्वारा, बर्रे के खून के द्वारा ही हो सकता है, और उसके होंठों से निकले हुए अल्फाजों के द्वारा, जो कि आपके होंठों से निकलते हैं, आपकी जो टेस्टिमनी है उसके द्वारा ये होता है। और ये जो जंग है, इसके अंदर आप शैतान के ऊपर बलवा पाएं, क्योंकि मसीह की यही इच्छा है कि आप बलवा पा सकें। क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो जयवंत होगा उसको मैं मुल्कों के ऊपर राज्य करने के लिए बिठाऊंगा, और जो जयवंत होगा वो मेरे साथ सिंहासन के ऊपर बैठेगा, ठीक उसी प्रकार जिस तरह मैं जयवंत हुआ और परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पे बैठता हूँ। और आप भी जयवंत से बढ़कर हैं, और मसीह ने यही आपसे कहा है कि आप जयवंत से बढ़ के बनिए। आमीन। और मेरी प्रार्थना ये है कि अगर आप इस सीडी को सुनते हैं तो आप इस सीडी की भले भांति कॉपियां बनाएं और औरों को भी बांटिएगा, ताकि और भी लोग सुन के इससे छुटकारा, अपने जीवन के अंदर छुटकारा पा सके। और ये बड़ी आसानी से कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है कि आप अपने सीडी रोम ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक खाली सीडी को डालें और उसके ऊपर इसकी छवि छाप लें, ताकि आप उस सीडी को आगे दूसरों को दे सकें। आप उसको कंप्यूटर के द्वारा भी दूसरों को भेज सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। इस सीडी को जितने से ज्यादा लोगों को आप दे सकते हैं, आप देने का प्रयास करें। ये सीडी का कोई पैसा बनाने का तात्पर्य नहीं है, आपसे यही इल्तिजा है कि आप इसको मुफ्त लोगों को बांटिए। क्योंकि इस सीडी का जो खास मकसद है वो ये है कि जो लोग बंधुआ हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, वो आजाद किए जाएं। और अब क्योंकि मैं मुफ्त में, मुझको आजादी मिली, मैं चाहता हूं कि ये आजादी मुफ्त में मैं आगे बांटूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि किस तरीके से पागलपन का जो दौर है, किस तरीके से इंसानों को परेशान करता है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जो कि आज पीड़ित हैं इस चीज से। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हों जिनको के कैंसर का रोग हो। हो सकता है कि आप में से कुछ और ऐसे होंगे जिनको के और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हों। पर मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि मसीह सलीब के ऊपर इसलिए नहीं, इससे केवल हमारी नजाती के लिए नहीं हुआ, बल्कि हमारी चंगाई के लिए और हमारे छुटकारे के लिए, जो कि शैतान ने हमको जकड़ रखा, उससे आजाद करे, इसलिए वो हुआ। वचन, परमेश्वर का वचन लूका 10:19 में साफ कहता है कि देखो, मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि तुम शैतान के सर को कुचलो और शैतान और दुश्मन की सारी सेनाओं को मार भगाओ, और कोई भी चीज तुम्हारे को परेशान या तंग ना कर पाएगी। और मत्ती 7:13 यूं कहता है कि उस सकड़े रास्ते पे चलो और उस सकड़े दरवाजे से घुसो, क्योंकि चौड़ा वो रास्ता है जिसके ऊपर बहुत भागते हैं और अपनी हलाकत को चले जाते हैं। सकड़ा वो रास्ता है, और उस सकड़े दरवाजे में से ही होके हमको गुजरना है। ऐसी सड़क पे आपको चलना है जिस सड़क के ऊपर और कोई चलना नहीं मांगता, और बहुतेरे, और उस चौड़ी सड़क के ऊपर आप बहुतेरे हैं जो कि चलना मांगते हैं। और उस चौड़ी सड़क के ऊपर ये संदेश सुनने को मिलता है कि तुम तो नए सिरे से उत्पन्न हुए हो, तुम में तो दुष्ट आत्मा नहीं ठहर सकता। और ये कहा जाता है कि नहीं, अपना प्रार्थना करो और छुटकारा ले लो, और पर नहीं, तुमको ये जंग लड़नी है ताकि तुम आजाद किए जाओ। मैं आपको सच सच बताना मांगता हूं कि आपको ये जंग लड़नी है, क्योंकि ये जंग मुझको भी लड़नी पड़ी। और अगर हम देखते हैं मरकुस उसके 5वें अध्याय के अंदर, तो हम पाते हैं उस आदमी को जो कि कब्रिस्तान में रहा करता था और चिल्लाया करता था, और उसके अंदर दुष्ट आत्माओं के सबब से ऐसी सामर्थ थी कि उसको कोई जकड़ नहीं पाता था। और वो जबकि उसको जंजीरों से बांधा जाता था, लोहे की जंजीरों से, तो वो उनको तोड़ दिया करता था। और मरकुस 5 के अंदर हम पाते हैं कि जब मसीह ने उसके ऊपर निगाह की, मसीह उसके सामने आया, तो उसने मसीह को सिजदा किया, उसको दंडवत प्रणाम किया। और मसीह ने उसके अंदर से एक लश्कर शैतान दुष्ट आत्माओं का उसमें से निकाला, और लगभग यूं समझिएगा कि 3000 दुष्ट आत्माएं मसीह ने उस जन के अंदर से निकाली। और वचन के अंदर ये हम क्यों पाते हैं, और एक जगह नहीं, 2 जगह इसको हम पाते हैं। क्यों कर ये जरूरी हुआ कि यही जो कहानी है वो 2 जगह पे फर्क भिन्न भिन्न जगहों के अंदर बाइबल में पाई जाती है। और यहाँ पे वो ये बताना मांगता है, पर मसीह हमको बताना मांगता है कि लोगों के अंदर 3000 दुष्ट आत्माएं भी समा सकती हैं, और ऐसे जन के लिए भी मसीह के पास एक उम्मीद है। और एक दफा मैं भी एक ऐसा ही जन था, और लगभग 1000 से ज्यादा दुष्ट आत्माओं को तो मैं जानता हूं कि मैंने अपने शरीर में से निकाले, और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मैं निरंतर अपने अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और उनको दौड़ाता हूं यहाँ अपने अंदर से। और पागलपन की दुष्ट आत्मा जो कि मेरे अंदर डेरा कर गई थी, जिसने अपना घर बना लिया था, और उस यही नहीं बल्कि उसके अलावा लालसा की और गर्दन कसी की और रिजेक्शन की और भय की आत्मा को भी मैंने अपने अंदर से निकाला। और ये सब आप परमेश्वर यीशु मसीह के नासरी के नाम से आप इन सबको, उसके जलाली नाम से आप उनको मार के भगा सकते हैं, इन सारी दुष्ट आत्माओं को, क्योंकि ये मेरे लिए हुआ, ये आप भी अपने लिए कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद के ऊपर तैयार रहता है और आपके खिलाफत नहीं करता। वो बड़ा प्रश्न आप में से बहुतेरों को ये होगा कि एक मसीह जन के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे रह सकता है। मेरे को भी यही सिखाया गया था कि मसीहों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं ठहरती, पर ये बड़ा साधारण सी बात है। और वचन के अंदर मरकुस 16:17 के अंदर हम ये पाते हैं कि ये चिन्ह उन लोगों के साथ होंगे जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो इस दुनिया के अंदर हम किन लोगों में से दुष्ट आत्मा निकालते हैं? तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप शहर के अंदर जाएं और एक व्यभिचार करने वाली औरत के पास उसके सर पे हाथ रख के उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालें और फिर वहां से चले जाएं? उसके साथ क्या होगा? वचन साफ कहता है अगर वो नए सिरे से उत्पन्न नहीं होगा, अगर वो नहीं हुई है, तो जरूरी है कि उसके अंदर 7 गुना ज्यादा दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। अब हम देखते हैं मसीह ने मत्ती 21:12 में क्या किया। वहां पे हम देखते हैं कि मसीह हैकल के अंदर गया और वहां पे उसने वो जो लोग वहां पे व्यापार करते थे और भेड़ बकरियां बेचते थे और पैसे की तब्दीली किया करते थे, उन सब की उसने उनके मेजों को उलट पुलट किया और उनको वहां से खदेड़ के भगाया। हम देखते हैं कि मसीह हैकल के अंदर गया और वहां से दुष्टों को मार भगाया। और याद रखिए कि मसीह ने क्या कहा कि तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया, जबकि परमेश्वर की प्रार्थना का घर था। चोर कौन है? ये तो दुष्ट शैतान है जो कि चोर है, क्योंकि वो मारने के लिए, चोरी करने के लिए और हलाक बर्बाद करने के लिए आता है। वो चोरी करता है क्योंकि वो चोर है, क्योंकि शैतान इसीलिए आता है कि वो नाश करे और चोरी करे और बर्बाद करे। और इसीलिए शैतान आता है कि वो तमाम चीजों की चोरी कर ले जो कि परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी हैं। पर अब नहीं, क्योंकि अब आपको बता दिया गया है कि आप दुष्ट आत्माओं जो कि आपको परेशान करती हैं, आप उनके साथ जंग कर सकते हो यीशु के नाम में, और उनके ऊपर बलवा पा सकते हो, उनके ऊपर जयवंत हो सकते हो और आप जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी जयवंत हुआ और आप भी जयवंत हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आमीन। हम मसीह के अंदर हर चीज के ऊपर बलवा पा सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कि हमें जयवंत बनाता है मसीह के द्वारा। और जैसे कि 2 Corinthians 6:16 में हम पाते हैं कि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आपके अंदर डेरा करता है और आपके अंदर सुकूनत करता है। और वो लिखा है कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। फिलिप को हम के बारे में हम देखते हैं कि वो समझता था कि मसीहों के अंदर दुष्ट आत्मा समा सकती हैं। और जैसे कि हम प्रेरितों के काम 8:5-8 के अंदर पाते हैं कि फिलिप्स जो था, जब मसीह जी उठा उसके बाद वो सामरिया में गया और वहां पे परमेश्वर का वचन देने लगा और बहुतेरों ने उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और वहां पर हम आगे पाते हैं कि उसके वचन को जब लोगों ने सुना तो बहुतेरों के अंदर आश्चर्य मौजूद हुए और बहुतेरी नापाक रूहें जो थी उनके अंदर से चिल्ला चिल्ला के बाहर निकली और बहुतेरों को चंगाई मिली, यहाँ तक कि जो लकवा के मारे हुए लोग थे और वो उन्होंने चंगाई पाई। और उस शहर के अंदर बड़ा ही आनंद और खुशियां मनाई जा रही थी। और यहाँ पर हम पाते हैं कि फिलिप्स जो कि एक बशारत का कार्य करता था, वो सामरिया में गया और वहां पे उसने मसीह का प्रचार किया, लोगों को मसीह के बारे में बताया और वहां पर लिखा है कि लोगों ने उसकी बात के ऊपर ध्यान लगाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि फिलिप्स जो था वो उसने प्रचार किया, परमेश्वर मसीह के बारे में उनको बताया और लोगों ने मसीह के ऊपर विश्वास किया। और जब लोगों ने मसीह के ऊपर विश्वास किया तो फिलिप्स ने उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। क्यों? बात कुछ समझ में बनी? वो नए सिरे से उत्पन्न हुए और फिर उसने उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और ये कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि लोगों को पहले नए सिरे से उत्पन्न होना चाहिए ताकि उनके अंदर से इस तमाम दुष्ट आत्माएं निकाली जा सके। और इसी तरह से जब आप बशारती कार्य करते हैं तो पहले लोगों को नए सिरे से उत्पन्न होना जरूरी है ताकि उनके अंदर से फिर वो जो दुष्ट आत्माएं जो उनके अंदर डेरा करती हैं उनमें से निकाली जा सकें, ताकि वो आजाद हो सकें। आमीन। क्योंकि ये जंग शैतान के विरुद्ध में है, क्योंकि पहला करंथियों उसके 3:9 के अंदर हम यूं पाते हैं कि हम परमेश्वर के सहभागी, उसके साथ सेवा करते हैं और हम उसके ही खेत हैं और हम उसी की इमारतें हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर के खेत हैं और शैतान क्या चाहता है कि इस खेत के अंदर जो कि परमेश्वर का है उसके अंदर वो कड़वे दाने बोए और उसके अंदर वो बुरी चीजें लेके आए ताकि हम दुष्ट आत्माओं के द्वारा पीड़ित हों और गुनाह के अंदर पड़ जाए। और परमेश्वर का ये जो हमारा बंदर है, जो देह है, जो कि उसका हम कह सकते हैं उसकी एक खेत है, उसके अंदर कड़वे दाने उगने लगे। और उसकी यही इच्छा है कि वो हमारे अंदर उन अच्छे दानों में जो कि परमेश्वर ने हमारे अंदर लगाए हैं उसके साथ साथ कड़वे दाने भी उत्पन्न होए, ताकि सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाए। और उसकी यही इच्छा है कि जितना भी हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से फल उत्पन्न होता है उसको वो कड़वे दाने जो हैं उसके ऊपर गालिब आए और वो सारा का सारा हानि के अंदर बदल जाए। पर परमेश्वर की मनसा ये है कि वो इन कड़वे दानों को हमारे जो जीवन के अंदर दुष्ट ने बोए हैं उनको आके काट के निकाल दे, ताकि ये सब हम जो हैं हमारे अंदर जो बाकी बचे वो परमेश्वर की महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये केवल मसीह के नाम के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि पालूस के बारे में वो भी इस बात को समझता था। अब पालूस जो कि जिसका के द्वारा बहुतेरा हिस्सा नए नियम का उसी के द्वारा लिखा गया है, अब आप क्या सोचते हैं उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा थे? और अगर हम देखें उसके द्वारा लिखे गए रोमियो 7:21-25 के अंदर तो हम वो क्या पाते हैं, उसके अपने मुंह के उसके अपने हाथ से लिखी गई क्या बात पाते हैं? कहता है कि मैं देखता हूं कि मेरे अंदर एक चीज है जो कि मेरे अंदर एक ऐसा ही लालसा है जो कि बुराई को उत्पन्न करता है, जो कि जबकि मैं भलाई को चाहता हूं उत्पन्न करना, पर फिर भी मेरे मुंह से मुझसे बुराई हो जाती है। ये कि बुराई उसके अंदर डेरा करती है और ये पालूस कहता है और ऐसा अद्भुत आश्चर्य कार्य करता था। और कितनी कलीसियां उसने उस पहली सदी के अंदर खड़ी की और वो ये कहता है कि बुराई मुझ में पाई जाती है। और फिर 22वीं आयत के अंदर हम पाते हैं कि वो कहता है कि मैं तो खुश होता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा जो कि मेरे भीतरी अंतरात्मा के अंदर रहती है वो इस कार्य को करता है और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक मैं चलता हूं, क्यों ये ठीक है नहीं? पर उसके साथ साथ वो कहता है मैं एक और चीज को भी अपने अंदर देखता हूं जो कि परमेश्वर की इस आत्मा के द्वारा इसके विरुद्ध में जंग करता है, और वो मेरा अपना विवेक है और जो जिसको कि मैं कब्जे के अंदर करने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं और ये मेरे अंदर गुनाह को उत्पन्न करता है। क्योंकि जो आत्मिक मनुष्य है आपकी देह के अंदर जो कि बास करता है वो आपके अंदर बैठता है और वो पवित्र और शुद्ध हो जाता है। पर अगर आप नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं तो आप हमेशा के लिए मोहर बंद किए गए और उस अंदर तो भीतरी जो आत्मा है आपके अंदर उसके अंदर दुष्ट डेरा नहीं कर सकता। पर यहां पर हम देखते हैं कि वो एक और चीज का जिक्र करता है कि दुष्टता मेरे अंदर वास करती है, मेरे जिस्मानी हिस्सों के अंदर वास करता है। और फिर 24वीं आयत में हम पाते हैं वो अपने आप को कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। अब सवाल ये उठता है कि एक इतना पवित्र और पाक किया गया मनुष्य जो पालूस जैसा वो अपने आप को क्यों कहता है कि मैं अभागा मनुष्य हूं? कहता है कि मैं अभागा मनुष्य हूं, ये नहीं कि मैं था। यहां पे वो कहता है कि मैं अभागा मनुष्य जो मैं हूं, ये नहीं कहता कि वो अभागा मनुष्य जो मैं था। तो यहाँ पे उसके कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य ये है कि उसके शरीर के अंदर शरीरी लालसाओं के अंदर पाप डेरा करता है और क्योंकि पाप डेरा करता है इसलिए वो दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर ले लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप हैं या मैं हूं। और अगर हम शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर चलें तो जरूर है कि हम मृत्यु को ग्रहण करेंगे, ठीक है नहीं? क्योंकि वचन साफ कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और ये ही गुनाह और मृत्यु का गुनाह की मजदूरी है जो कि मौत है, क्यों? ठीक है नहीं? आमीन। फिर वो यूं कहता है कि मैं वो अभागा मनुष्य हूं, मुझको इस मृत्यु के बंधन से कौन मुक्त करेगा? और फिर वो आगे कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मसीह के द्वारा क्योंकि मैं दिमाग से तो अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर चलता हूं, जो परमेश्वर की हुक्म के मुताबिक मैं उसके मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करता हूं। क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आप पाप की मजदूरी जो कि मौत है उसके अधीन हो जाते हैं, और अब जबकि आप मसीह के लहू को अपने ऊपर लगा लेते हैं तो मसीह का लहू है जो कि आपको तमाम पापों से शुद्ध करता है। और ये जरूरी है कि जब आप मसीह के लहू को लगाएं तो अपने पापों का परमेश्वर से इकरार करें, क्योंकि तभी वो आपको क्षमा करेगा आपके पापों से और आपको मसीह के लहू के द्वारा पवित्र और पाक करेगा। और फिर आप जो गुनाह की मजदूरी है जो कि गलतियों 3:13 के अंदर हम पाते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है कि मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य जो कि सूली पे लटकाया जाता है। और फिर जब हम मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं और उसको ले लेते हैं अपने ऊपर और उस दुष्ट को हुक्म देते हैं कि वो हमारे अंदर से हम निकले, तो वो हमारे को छोड़ के निकलता है, क्योंकि वो लहू के अंदर सामर्थ है। और वो जो लानत है उसके द्वारा जो हमारे ऊपर जिसके द्वारा हमारे अंदर ये दुष्ट आत्मा है वो हमारे से अलग हो जाए, और फिर मृत्यु के आप अधीन नहीं रहते। और जो परेशानी की बात ये है कि लोग गुनाह से इकरार करते हैं, तौबा भी करते हैं, पर उन दुष्ट आत्माओं को जो कि उनके अंदर गुनाह को उत्पन्न करता है और जो लानतें हैं जिनके सबब से वो गुनाह आता है उसको नहीं अपने अंदर से निकालते हैं। सो अब यूं समझिएगा कि आप पाप कर रहे हैं और आपको एहसास हुआ कि अब आप पाप कर रहे हैं और आपने तौबा की, परमेश्वर से पश्चाताप की हालत में परमेश्वर के सम्मुख गए और परमेश्वर ने आपको आपके पापों से आजाद किया। और फिर आप उस चीज को नहीं कर रहे और उसके द्वारा उसके सबब से जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आई उनसे आप मुक्त हुए, पर जो लानत है उसके द्वारा शरीयत के द्वारा जो लानत है आपके ऊपर आई हुई है वो फिर भी आपके ऊपर बलवा पाती है। क्योंकि वचन कहता है कि ये चिन्ह उन लोगों के संग होंगे जो विश्वास करते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को हुक्म देंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। और मसीह ने हमको इख्तियार दिया है कि हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है। आमीन। और प्रकाशित वाक्य के 12:11 के अंदर हम यूं पाते हैं कि वो बर्रे के लहू के द्वारा और अपने मुंह की गवाही के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत हुए, और उन्होंने मौत भी गवारा की पर वो उसके आगे ना झुके। और मत्ती 7:13 में हम क्या पाते हैं कि उस सकड़े रस्ते के ऊपर चलिएगा और उस तंग दरवाजे से घुसिएगा, क्योंकि चौड़ा वो रास्ता है और बड़ा वो दरवाजा है जिसके ऊपर बहुतेरे जाते हैं और अपनी हलाकत के अंदर चले जाते हैं। याद रखिएगा उस सकड़े रस्ते पे और उस तंग दरवाजे से ही आपको गुजरना है, क्योंकि मसीह के द्वारा जब आप उस सकड़े रस्ते पे चलेंगे तो आप मुक्त होंगे और आजाद किए जाओगे। आप गुनाह के अंदर रह के शैतान से दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकते। लोग यूं सोचते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं से रहित हो सकते हैं और फिर अंधकार में चल सकते हैं, और यह यूं समझिएगा कि नए सिरे से उत्पन्न होकर अंधकार में फिर भी चल सकते हैं और उनके अंदर दुष्ट आत्मा ना समाएंगे। ये एक भ्रम है, ये एक धोखा है, क्योंकि रोमियो 7 के अंदर बड़ा साफ सा हम पाते हैं कि हम जानबूझ के गुनाह करते हुए चलते भी रहें और हम हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं ना समाएं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि मृत्यु की जो मजदूरी मौत वो हमारे अंदर डेरा करता है। और रोमियो 7 के अंदर तो हम ये पाते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है, पर रोमियो 8 के अंदर हम ये पाते हैं कि अब मसीह के द्वारा हम मुक्त किए गए और अब ये जो गुनाह की मजदूरी मौत है वो हमारे ऊपर गालिब नहीं आती, क्योंकि अब हम आत्मिक रूप से मसीह के अंदर जीवित हैं और शैतान का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं। ओ मसीह, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमको पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर गालिब आते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। क्योंकि हम जब अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर गालिब आते हैं और दुष्ट आत्माओं को अपने भीतर से निकाल पाते हैं, ये सब कुछ मसीह ही के द्वारा हम कर पाते हैं। और फिर हम सकड़े रस्ते के ऊपर चलने लगते हैं मसीह के संग संग, तब हमारे को अबदी जीवन मिलता है, हमेशा का जीवन मिलता है। और इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जीवन ऐसा होता है जैसे कि अनंत जीवन के समान हो जाता है। क्यों? ठीक है कि नहीं? आमीन। तो ये अबदी जीवन क्या है? कि हम परमेश्वर को जाने। और जब आप उस सकड़े रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं और परमेश्वर की मनसा को अपने अंदर पूरा करने लगते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रेम करने लगते हैं और पवित्र आत्मा ही को प्रेम करने लगते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह से और भी ज्यादा लिपटने लगते हैं, और भी ज्यादा उससे प्रेम करने लगते हैं, और हमारा पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है और भी आनंदित हो जाता है। वो तो बहुत ही, मसीह तो बहुत ही खूबसूरत है, और वो चाहता है कि हमें आजाद करे और अपने संग संग रखे। आप में से बहुत सारे सोचते होंगे वहां पे कि मसीहों के अंदर किस प्रकार से दुष्ट आत्मा ठहर सकता है, ये कैसे मुमकिन है। याद रखिएगा, मसीह ने भी मंदिर के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और पुराने नियम में हम पाते हैं कि मंदिर के 3 हिस्से थे, और एक हिस्सा जो था वो अति पवित्र हिस्सा था, और फिर एक बाहरी कोर्ट, एक आंगन था, और एक भीतरी आंगन था। और आप ये जानते हैं, याद है आपको, कि जो पाक तरीन मकाम था, जो कि बिल्कुल भीतर के अंदर था, उसके अंदर साल में केवल एक दफा सरदार काहिन ही जा सकता था, और वो भी अपने साथ खून को लेके जाता था। और हम देखते हैं कि मसीह ने, जो कि व्यापार करने वाले लोग थे, जो कि बाहर बैठते थे, आप बाहरी आंगन में बैठते थे, उसने उनको वहां से खदेड़ के भगाया। और या यूं समझिएगा कि बाहरी आंगन में या भीतरी हैकल के अंदर जो कि घुसे हुए थे, उनको उसने निकाला, पर जो पाक तरीन मकाम था उसके अंदर नहीं, क्योंकि वहां पे तो कोई जा ही नहीं सकता था। और यही चीज हम मनुष्यों के साथ भी होता है। और ये जो पाक तरीन मकाम है वो हमारा आत्मिक मनुष्य है, ठीक है कि नहीं, समझे। और क्योंकि जब आप नए सिरे से उत्पन्न होते हैं तो आप आपका आत्मिक मनुष्य है जो कि नए सिरे से उत्पन्न होता है, और जो आपका शरीर है और आपकी जो सोच विचार की जगह है, जो कि जिसको मस्तिष्क कहते हैं, वो या आपकी आत्मा है जहां पे डेरा करती, वो आपका बाहरी हिस्सा है। हाँ, बेहतरीन। आप भीतरी आपका मनुष्य जो है, जिसको कि हम आत्मिक मनुष्य कहते हैं, वो तो भले ही नए सिरे से उत्पन्न हुआ, पर आपका बाहरी शरीर जो है वो उसमें दुष्ट आत्मा डेरा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि परमेश्वर का मंदिर है, जिसके अंदर के जिसके अंदर के लोग व्यापार किया करते थे, वहां पे दुष्ट चोर बैठते थे, चोर और उचक्के बैठते थे, पर जो पाक तरीन मकाम था उसके अंदर कोई नहीं दाखिल होता था। एक नए सिरे से उत्पन्न हुए मनुष्य के अंदर, उसके शरीर के अंदर तो दुष्ट आत्मा है, और उसकी आत्मा के अंदर तो दुष्ट आत्माएं समा सकती हैं, पर उसकी अंतरात्मा के अंदर, जो कि स्पिरिट मैन जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, वहां पर कोई नहीं भीतर जा सकता। इसलिए यदि कोई नए सिरे से उत्पन्न हुआ जन जिसके के बाहरी हिस्से के अंदर हो सकता है कि दुष्ट आत्माएं समाती रहती हों, पर यदि वो मर जाए तो वो स्वर्ग को ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, आप नए सिरे से उत्पन्न हो गए तो आप परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल तो होंगे। आप नए सिरे से उत्पन्न हुए तो आप एक तरह से मोहर बंद कर दिए गए हमेशा के लिए, पर आपके अंदर फिर भी दुष्ट आत्माएं समा सकते हैं। और यूं समझिएगा कि अगर एक आदमी जो कि कैंसर से मर रहा है, कैंसर की बीमारी से मर रहा है, और वो नए सिरे से उत्पन्न हो जाता है, वो तौबा करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है अपने गुनाहों का, और मृत्यु के बिस्तर के ऊपर लेटे हुए ही उसका छुटकारा होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो कैंसर से रिहा हो जाएगा उस बीमारी से, जब क्योंकि वो नए सिरे से उत्पन्न हो गया। या यूं समझिएगा कि आपको गठिया की बीमारी है, और वचन में भी हम पाते हैं कि मसीह ने जिस तरह से उस बुजुर्ग औरत को चंगा किया जो कि दोहरी हो गई थी गठिया के सबब से, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि मसीह ने उसको भी उसकी बीमारी से आजाद किया। या यूं समझिएगा कि कोई तौबा करता है पर नया जन्म लेता है, तो क्या वो बीमारी से भी अपने आप चंगाई पा लेता है। या यूं समझिएगा कि मान लीजिएगा कि वो एक व्हीलचेयर के अंदर हैं और उनकी टांग टूटी हुई है और वो नए सिरे से उत्पन्न होते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि उसकी जो टांग है वो उसी समय ठीक हो जाएगी, या वो जब भी नए सिरे से उत्पन्न होगा तो उसके अंदर से उस तकलीफ जाती रहेगी, अगर वो किसी तकलीफ से पीड़ित है। और यहाँ पे मेरे कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि आप नए सिरे से उत्पन्न जब तक नहीं होते, जब तक कि आप मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, यानी कि आपकी नजात की बात है यहाँ पर। चंगाई, आप जब तक आप चंगाई के अंदर विश्वास नहीं करते, आप चंगाई नहीं पाते, ठीक है नहीं। और विश्वास के द्वारा, क्योंकि तमाम जगह पे हम चंगाई के बारे में हम पाते हैं, तमाम टीचिंग्स के बारे में हम देखते हैं, इसका उपचार किया जाता है, पर ये सब चीजें हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें विश्वास उत्पन्न होता है, और जब हम सुनते हैं तो और सुनते क्या है, परमेश्वर का वचन। इसी तरह से छुटकारा, जब हम छुटकारे के बारे में सुनते हैं तभी हम छुटकारा पाते हैं, और यदि हम छुटकारे के ऊपर विश्वास नहीं करते तो हम छुटकारा नहीं पाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप नजात के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप नजात नहीं पा सकते और आप चंगाई भी नहीं पा सकते अगर आप चंगाई पे विश्वास नहीं करते। और इसलिए ये जो तालीम मैं थोड़ी सी दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि आप जान लें कि क्योंकि आप गुनाह के अधीन हैं इसलिए आपके अंदर दुष्टात्मा डेरा कर जाते हैं। और हम देखते हैं फिलिप्स जो कि बशारती कार्य किया करता था, रसूल प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में हम इसके बारे में पाते हैं, वो भी ऐसा किया करता था। वो परमेश्वर का वचन लेके गया और उसने परमेश्वर के वचन से उनको प्रचार किया और फिर वो लोग नए सिरे से उत्पन्न हुए और फिर उसने उनके अंदर से दुष्टात्मा को निकाला। हाँ, अब पालूस के बारे में भी देखते हैं, वो तो नए सिरे से उत्पन्न हुआ था, क्यों ठीक है कि नहीं। और फिर वो देखते हैं कि वो परमेश्वर के संग था, उसकी परमेश्वर के साथ उसकी रिफाकत थी और परमेश्वर ने स्वयं उसको सब कुछ सिखाया। पर अब मेरे एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में और मेरे अब आपके लिए एक मैं सवाल पेश करता हूं। तो पालूस के बारे में हम देखते हैं कि जब वो नए सिरे से उत्पन्न हुआ तो उससे पेशतर वो एक कातिल था, उसने कत्ल किया था और उसके अंदर नफरत भरी हुई थी। हाँ, और वो एक बड़ा ही रिलीजियस, यूं समझिएगा कि रस्मों के ऊपर चलने वाला यहूदी था। और फिर यूं सोचिएगा कि इतना कुछ होने के बाद पर पालूस किन किन चीजों से आजाद किया गया ताकि वो मसीह के संग संग चल सके। तो आप क्या सोचते हैं कि पालूस यकायक एकदम से ही हर चीजों से उसने रिहाई पा ली जबकि वो नए सिरे से उत्पन्न हुआ? और या आप यूं सोचते हैं कि पालूस धीमे धीमे वो इन सब चीजों से आजाद किया गया और उसके शरीर के अंदर चंगाई आई क्योंकि वो मसीहों से नफरत करता था और उनको मरवाया करता था और उनको कैद खाने में डाला करता था और वो एक रस्मी यहूदी भी था। और तमाम वो जो धार्मिक चीजें उसने यहूदियों की सीखी थी। और क्या आप नहीं देखते कि मसीह को उसके साथ समय लगा और उसको धीमे धीमे उसको मुक्त करता गया उन सब आतों से जो कि हम रोमियों के 7वें अध्याय के अंदर देखते हैं। और फिर पालूस कहता है कि मुझको इस देह से कौन मुक्त करेगा जो कि मृत्यु की ओर ले जाती है। मैं परमेश्वर का धन्य करता हूं केवल मसीह ही के द्वारा, परमेश्वर ने जो कि मसीह को हमारे लिए दिया उसी के द्वारा मैं इससे मुक्त हो सकता हूं। हम देखते हैं पालूस इस तरीके से मसीह को उसने अपने छुटकारे के लिए सारी महिमा दी। और मेरी भी यही इच्छा है कि सीडी के द्वारा आप ये जान लें कि आपको भी ये उम्मीद मिले और आप भी परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें अपने दिलो जान से और उसका धन्यवाद करने वाले हो सकें कि उसी के मसीह के द्वारा आपको भी आपका भी कफारा या छुटकारा हुआ। मैं शैतान से नफरत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी शैतान से नफरत करेंगे। और बाकी की सीडी का जो हिस्से में हम आ रहे हैं ये अब आपको सिखाएगा कि आप किस तरीके से शैतान और दुष्ट आत्माओं के जकड़न से आजाद किए जाते हैं। हाँ, और जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि एक बत्ती का स्विच है कि आपने ऑन किया और रोशनी हो गई कि आप उस चौड़े रास्ते पे भी जा रहे हैं जो कि आराम का रास्ता है और आप आजाद भी मुक्त भी किए जाएंगे। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस सकड़े रास्ते के ऊपर चलें। और ये जो सकड़ा रास्ता है सचमुच में बहुत ही सकड़ा है क्योंकि परमेश्वर की यही मनसा है कि हम अपने आप को पवित्र करें और शुद्ध करें, क्योंकि उसकी कभी भी मनसा नहीं कि हम गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करें, अपना जीवन व्यतीत करें और गुनाह के साथ हम समझौता कर लें और दुष्ट आत्माओं की दुनिया के अंदर रहने लगें। और जबकि आप इस छुटकारे के अंदर बढ़ते हैं, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के अंदर, तो आप अपने जीवन को मसीह को और भी ज्यादा समर्पित करते चले जाएंगे और उसी से प्रेम करने लगेंगे और पवित्र आत्मा के साथ साथ सहभागिता के अंदर चलेंगे और फिर आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और फिर आप चंगाई पाएंगे और आपकी आत्मा और आपका दिल उन सब गढ़ों को तोड़ेगा जो कि आपके अंदर हैं। और आपके दिल और दिमाग के अंदर जो कि आप चीज़ें आपको बांध के रखी हैं जो कि जैसे कि माफ़ ना करना दूसरे को, उन सब बातों से, या लोगों ने जो कि आपके साथ अत्याचार किए हैं उनको आपने अपने अंदर समा के रखा हुआ है, उन चीज़ों से भी आप आज़ाद किए जाएंगे। और जब आप इस सकड़े रास्ते पर चलने लगेंगे तो परमेश्वर सचमुच में बड़ी वफादारी के साथ आपके संग संग रहेगा और फिर सचमुच में आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि मसीह के संग संग आप इस सकड़े रास्ते को आपने चुना और उसके ऊपर चलने को तैयार हुए। पर सबसे बड़ी जो बात है छुटकारे की उसके अंदर जो आती है वो ये है कि हम लोगों को अपने सताने वालों को या जो हमें जिन्होंने हमें कष्ट दिया उनको हम माफ नहीं कर पाते। और आमतौर पे देखा गया है कि लोग अपने मुंह से तो कह देते कि हाँ परमेश्वर मैंने फला फला जन को जिसने कि मेरे विरुद्ध में ये सब किया, बुरा किया, बुराई की, उसको मैं क्षमा करता हूँ, पर अंदर दिल के भीतर आप उस शख्स को दरअसल माफ नहीं करते। और मैं आपको ये एक सलाह दूंगा, एक मशवरा दूंगा कि यदि आप इस परेशानी, आप इस दिक्कत और परेशानी से गुजरे हैं जिसके अंदर के आपने दूसरों के सबब से आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी परेशानी और उलझने आई, या आपके ऊपर किसी ने अत्याचार किए, या किसी को उन्होंने, किसी का कत्ल हुआ, या कोई दुष्टता की बात आपके साथ यूं समझिएगा कि किसी ने की, और उन लोगों के प्रति आपके दिल के अंदर नफरत है और उनको क्षमा ना करने की आत्मा है आपके अंदर, तो अपनी इस समस्या को लेकर आप पवित्र आत्मा के सामने जाइएगा और उससे कहिएगा कि पाखरू मेरी मदद कर ताकि मैं इन लोगों को माफ कर सकूं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप निरंतर प्रार्थना पाप पवित्र आत्मा से करते रहेंगे कि पवित्र आत्मा ऐसा करेगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप इन लोगों को अपनी अंतर आत्मा के अंदर होके क्षमा करेंगे और उनके विरुद्ध कोई भी दोष और रोष नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक मसीह, एक ऐसा जिसको कि हम कह सकते हैं एक कल्ट था, उसके अंदर था, और एक ऐसे, और उस कल्ट के अंदर उन्होंने मेरे को यूं समझिएगा कि मानसिक रूप से ऐसा मेरे को कर दिया था कि मैं ये सोचने लगा कि मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप किया है और मैं दुष्ट हूं और मैं गलत डॉक्ट्रिन्स के अंदर चला गया हूँ और गलत लोगों के पीछे जाता हूँ और मेरे अंदर ना माफ करने की आत्मा है। इस कल्ट के अंदर जो कि आदमी था उसको ना माफ करने की आत्मा थी, और इस मनुष्य को जो कि मुझे इस कल्ट के अंदर लेके गया था उसके विरुद्ध में मेरे दिल और दिमाग के अंदर नफरत थी और उसको माफ करने की आत्मा ना थी। पर परमेश्वर को महिमा और जलाल देता हूं कि वो धीमे धीमे मुझको उस राह के ऊपर, इस सकड़े रास्ते के ऊपर लेके गया कि मैं इस बंधुआई से जो कि ना माफ करने की और नफरत की आत्मा थी उससे उसने मुझको धीमे धीमे आज़ाद किया। और ये यकायक एकदम से नहीं हुआ, ये एक धीमे धीमे का एक ऐसा राह थी जिसके ऊपर मेरे को चलना था, और निरंतर चलने के सबब से धीमे धीमे मैं उस जगह पे पहुंचा कि मैं उन लोगों को माफ कर सका और उन लोगों से आजाद अपने आप को कर सका। और यही रीति से आप भी आजाद किए जाएंगे अगर आपके विरुद्ध में किसी ने कोई ऐसे घृणित कार्य किए हैं जिनसे कि आपको उनसे नफरत है और आप उनको क्षमा नहीं कर पाते, पर आपको जरूरी है कि उस राह के ऊपर चलना है और पवित्र आत्मा से कुवत और ताकत मांगनी है कि वो आपको उन लोगों से आज़ाद कर सके और आप उन लोगों को माफ़ कर सकें। क्योंकि अगर आप उनको माफ़ ना करेंगे तो गुनाह जिसकी की मजदूरी मौत है उसका बलवा आपके ऊपर रहेगा, उसका कब्जा आपके ऊपर रहेगा। और अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर बड़ी आज़ादी से कब्जा कर लेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आप उन लोगों को क्षमा कर सकें, और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप आज़ाद किए जाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो सचमुच में आप आत्मा में भी आज़ाद किए जाएंगे और चंगाई भी पा लेंगे। आमीन। और एक और भी चीज़ है जो कि लोगों को दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं होने देता, और वो ये है, वो जानते बूझते गुनाह में जाते हैं। आप जानबूझ के पाप करते हैं और आज़ाद उससे अपने आप को अलग नहीं करना मांगते और उससे तौबा भी नहीं करते। यूं समझिएगा कि जब छुट्टी का दिन होता है आपका तो आपकी इच्छा होती है कि आप मतवाले हों, दारू पिए, और कभी कभार आप झूठ बोलना पसंद करते हैं, और आप अपनी एक ऐसी लड़की के साथ संपर्क में आते हैं जो कि आपकी पत्नी नहीं, और आपको इससे कोई परेशानी नहीं होती कि आप एक ऐसे व्यभिचार के अंदर आप गिर जाते हैं या पोर्नोग्राफी को देखते हैं या भयभीत तस्वीरें देखते हैं। इन चीजों को अगर आप करेंगे तो आप बंधुआई में ही रहेंगे। पर यदि आप इन चीजों से मुंह फेर लें अपना, तो परमेश्वर आपकी मदद पे आएगा और आपको इनसे आजाद करेगा। एक मिसाल के तौर पे, मैं पोर्नोग्राफी का बड़ा शौकीन था। मैं पोर्नोग्राफी देखा करता था और फिर सोचता था कि दुष्ट आत्मा मेरे में से निकलेंगे। कुछ तो निकलते थे पर सारे नहीं निकल पाते थे। तब परमेश्वर ने मुझको दर्शाया आत्मा में कि दरअसल बात यह है कि तू सचमुच से अपने आप को इन चीजों से रिहा नहीं करना मांगता, और इस सबब से मैं इतने सामर्थ्य नहीं थी मेरे अंदर कि मैं इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से आजाद किया जाऊं। छोटी छोटी तो दुष्ट आत्माएं निकल आते थे पर जो बड़ा वाला था वो नहीं निकल पा रहा था। हाँ, और जो छोटे छोटे तो निकलते थे पर बड़े बड़े जो गुनाह थे वो नहीं निकल पाते थे, क्योंकि मैं उनके ऊपर ज्यादा जोर से गालिब नहीं आता था और उनको निकालना भी नहीं मांगता था। तो ये होता था कि वो चले तो जाते थे और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो आ जाते थे, क्योंकि मैं स्वयं इतना सामर्थ्य में, इतना कुवत में नहीं था कि मैं उनको अपने अंदर से बाहर निकाल के निरंतर उनको अपने अंदर से बाहर रख सकूं। तो कई दफा फिर ऐसा परमेश्वर होने देता है कि हम एक ऐसे स्थान के ऊपर आ जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम किसी तरीके से इससे आजाद किए जाएं, और फिर वो ऐसा होता है कि हम जब उस अपने गुनाह से आजाद नहीं हो पाते तो उस जगह पर जब हम आ जाते हैं कि हम बेबस हो जाते हैं और परमेश्वर के को हम ललकारने लगते हैं और उसकी दुहाई देने लगते हैं, तब वो फिर हमको, हमारे आत्मिक मनुष्य को धीमे धीमे तगड़ा बनाता है ताकि हम उस बंधुआई से जो जिसके ऊपर हम स्वयं गालिब नहीं आ पाते उससे हम आजाद हो सके। और फिर जब हम उसके ऊपर गालिब आते हैं तब हम, हमारे अंदर से वो जो कमी है या घटी है या वो कमजोरी है या वो एडिक्शन है वो हमारे में से दूर हो जाता है। मैं सिगरेट पिया करता था और सचमुच में मेरे को एक उसका नशा सा था, और मैं अपने शहर के अंदर भिन्न भिन्न पासवानों के पास जाया करता था और उनसे कहा करता था मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब मीटिंग खत्म होती थी तो मैं उनके पास जाता था और उनसे कहता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं सिगरेट की आदत से मैं छुटकारा पा सकूं, क्योंकि मैं सचमुच में उससे छुटकारा मांगता था कि मैं पाऊं, क्योंकि मैं ये अंदर आत्मा मेरी जानती थी कि मुझको ये नशा नहीं करना, पर भीतर मैं उसको, उस नशे को करना पसंद भी करता था। तो ये परमेश्वर को जरूरी हुआ कि मुझको मेरे भीतरी मनुष्य के अंदर एक ऐसी चीज को, ऐसी भूख और प्यास को, एक ऐसी लालसा को उत्पन्न करे कि मैं सिगरेटों से पीछा छुड़ा सकूं। और जब मैं उस दर्जे तक पहुंचा तब उसने मुझको, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी और मुझको इस योग्य किया कि मैं उस चंगाई को अपने अंदर थामे रखूं और उस दुष्ट से आजाद हो सकूं। और ऐसा हुआ कि जबकि मैं इस सिगरेट की बंधुआई से आजाद होना मांगता था तो मैं प्रार्थना करता रहा और लगभग 1.5 साल तक करता रहा। और एक रात को परमेश्वर आया और उसने मुझको छुआ मेरी आत्मा में, और फिर ये सिगरेट का जो नशा था ये मेरे अंदर से जाता रहा और इस बंधुआई से फिर मैं आजाद किया गया। और फिर उसके दोबारा वो मेरे अंदर उसने जड़ ना पकड़ी, क्योंकि मेरा भीतरी मनुष्य उस समय उस कुवत में आ गया, उस ताकत में आ गया, जबकि परमेश्वर ने मुझको छुआ और फिर मैं उस कमजोरी से आजाद हो गया। और इसलिए मैं आपको आज उत्तेजित करना मांगता हूं इस समाचार के द्वारा कि परमेश्वर आपके साथ जद्दोजहद करने को तैयार है, आपके साथ जंग करने को तैयार है कि आप उस जंग को जीत सकें और उस अपनी कमजोरी के ऊपर गालिब आ सकें। तो परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा कि आपको इतना दृढ़ बनाए कि आप उस कमजोरी के ऊपर गालिब, उस गुनाह के ऊपर गालिब आ सकें और फिर उसके अंदर दोबारा नहीं जाएंगे। पर जरूरी यह है कि सच्चे दिल से आप परमेश्वर के सामने आएं और उस सकड़े रास्ते के ऊपर उसके संग संग चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या आप तैयार हैं उस सकड़े रास्ते पे चलने के लिए ताकि आप उस बंधुआई से आजाद किए जाएं? एक और चीज अब जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो क्यों लोग बंधुआई में रहते हैं और आजाद नहीं किए जाते, क्योंकि वो झूठ को क्यों अपने दिलो दिमाग के अंदर रखते हैं, और जो शैतान है वो झूठों का बाप है। और यदि आप झूठ को के ऊपर विश्वास करें अपनी सोच के अंदर तो आप आजाद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप झूठ को सच्चाई के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और मैं भी झूठ के ऊपर विश्वास किया कर जाता था, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे दिमाग में मैंने एक झूठ को मेरे को ऊपर दिया गया कि मैंने पाखरू का गुनाह किया है, और उस वजह से मैं बड़े देर तक बंधुआई में रहा और भयभीत रहा। और जब मैंने ये जान लिया कि नहीं, मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप नहीं किया, तो उस सच्चाई ने मुझको आजाद किया और फिर ये जो दुष्ट आत्मा का गढ़ मेरे अंदर बन गया था जिसकी वजह से मैं भयभीत था, वो मुझ में से जाता रहा। तो ये लोग जो कि मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, ये यूं समझिएगा कि ये झूठ के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, और वो झूठ के सबब से जिसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया, वो कई दफ़ा अपनी सारी जीवन भर वो बीमार रहते हैं या कई कई सालों तक मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। और ये उनके मस्तिष्क के अंदर शैतान ने अपने गढ़ बना लिए हैं। और ये यूँ समझिएगा कि आपके दिमाग के अंदर या आपके मस्तिष्क के अंदर एक घोंसले के रूप में बैठ जाते हैं, घोंसला बना लेते हैं, या यूँ समझिएगा कि डेरा कर लेते हैं। और ये सब आपस में सारे झूठ मिलके एक दूसरे के अंदर बुन से जाते हैं और घोंसला करते हैं, और आप उनके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, और उसी झूठ के सबब से आप अपना जीवन भी व्यतीत करने लगते हैं। और झूठ के ऊपर झूठ आपके अंदर समाता चला जाता है, और उसके ऊपर और उसी सबब से, और इन झूठों के ऊपर अगर आप गालिबाना मांगते हैं और उनको हैराना मांगते हैं, तो ज़रूरी है कि आप सच्चाई को पकड़ लें और इन झूठों के ऊपर बलवा करें और इनके साथ जंग करें और उनको हुक्म दें कि वो आपके दिलो दिमाग से निकलें। और एक मिसाल के तौर पर यूँ लीजिएगा कि अगर आप नए सिरे से उत्पन्न हुए मसीह हैं और मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और फिर भी आप सोचते हैं कि आप नर्क को जाएंगे, और आप यूँ सोचते हैं कि आप नर्क के अंदर जाएंगे और सारी उम्र नर्क की आग में ही आप तपेंगे, और ये बार बार आप सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, और ये झूठ जो है आपके अंदर जड़ पकड़ता जाता है, और जड़ पकड़ते पकड़ते वो एक घर बन जाता है आपके अंदर, और आपके अंदर दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ समा जाती है कि आप नर्क ही में जाएंगे। और फिर क्या होता है कि आप धीमे धीमे ये जैसे जैसे गढ़ मजबूत होता चला जाता है, तो आप भयभीत होने लगते हैं और डर की आत्मा आपके अंदर समाने लगता है, और फिर उसके डर की आत्मा के सबब से आप परेशान रहने लगते हैं, और बहुत ही जल्दी आप एक पागल की तरह रहने लगते हैं, और जैसे जैसे मजबूत होता जाता है आप उतने ही पागल मतवाले होते चले जा पागल खाने की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यूं कहिएगा। तो ये जो आपका विश्वास है उसके ऊपर वो और भी ज्यादा दृढ़ होता चला जाता है, और वो एक गढ़ की तरह, एक किले की तरह आपके अंदर बंध जाता है। पर हमारे जो जंग के जो इख्तियार हैं, जो परमेश्वर ने आत्मिक जंग की जो लड़ाई के लिए जो हमको उसने हथियार दिए हैं, वो परमेश्वर के अंदर बड़े सामर्थी हैं, और उन्हीं के द्वारा हम इन गढ़ों को गिराते हैं और उनके ऊपर गालिब आते हैं और उनको नेस्त और नाबूद करते हैं। और ये सब गढ़ जो हैं परमेश्वर ही के द्वारा हमको मिलते हैं। और एक दफ़ा जब हम उसके इन झूठ जो कि उसने हमारे अंदर भर दिया है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते और उससे मुक्त हो जाते हैं, तब हम दुष्ट को हुक्म देते हैं उन दुष्टताओं को कि हमारे अंदर से बाहर निकलें। सो ये एक और कुंजी है जिसके द्वारा हम जो कि ज़रूरी है कि हम शैतान के झूठ जो कि हमारे दिमाग में वो डालता है उनको जड़ ना पकड़ने दें और उनके विरुद्ध में खड़े हो जाएं आत्मिक जंग के लिए, ताकि हम उनको खदेड़ दें क्यों बात सही है कि नहीं, और इस सबब से हम उसको अपने दिलो दिमाग के अंदर जगह ना देंगे। आमीन। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इन दुष्ट आत्माओं को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप इत्मीनान से बैठ जाइएगा किसी कुर्सी के ऊपर या पलंग के ऊपर या फर्श के ऊपर, जहाँ कहीं पे भी आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं वहाँ पे बैठ जाइएगा या लेट जाइएगा और बड़े आराम से रहिए। हो सकता है आप में से बहुत बड़े उत्तेजित हो रहे होंगे जब इस सीडी को सुनेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके पेट के अंदर मरोड़े पड़ रहे हों या आपके सर में दर्द हो रही या सीने में दर्द होने लगे या आपके सर में दर्द होने लगे, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं हैं और वो उत्तेजित हो रही हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, और वो जानते हैं कि मैं शैतान से नफरत करता हूँ और उससे पलटा लेने के लिए आया हूँ, केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी। आमीन। तो आप परेशान ना होइएगा, आपको दुष्ट आत्माओं से परेशान नहीं होना, और याद रखिएगा कि आपको इख्तियार दिया गया उनके ऊपर, और वचन लूका 10:19 में साफ कहता है, क्योंकि लूका 10:19 में साफ लिखा है कि देखो मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि तुम सांपों के सर को कुचलोगे और बिच्छुओं के डंक को और बिच्छुओं को अपने पांव तले रोंदोगे, और अब तुमको मैंने इख्तियार दिया है कि तुम दुश्मन के ऊपर गालिब आओगे और वो किसी भी तरीके से तुम्हारे को ज़रर नहीं पहुंचाएगा, किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाएगा। और इसलिए आपको सचमुच में इख्तियार दिया गया इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। और ये आमतौर पे जो दुष्ट आत्माएं हैं ये श्वास के द्वारा निकलते हैं, क्योंकि ये आत्मिक है और या यूँ समझिए ये हवा है एक तरह की। और ये या तो खांसी के द्वारा या उबासी के द्वारा या छींक के द्वारा या गैस के द्वारा निकलते हैं, और कई दफ़ा थूक के द्वारा या उल्टी के द्वारा निकलते हैं। हाँ, कई दफ़ा बड़े जो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो 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 गढ़ बनाए होते हैं वो उल्टी के द्वारा निकलते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आपको उल्टी होने को है या आप थूकने को हैं, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि एक प्लास्टिक की थैली ले लें या कूड़े का जो आपका बिन है उसको ले लें और उसके अंदर उसको उलट दें या उसको उल्टी कर दें या उसको थूक दें। और अब याद रखिएगा कि अब आप जब अब छुटकारे के प्रोसेस में या उसके विधि के अंदर आते हैं तो आपको उसके अंदर जारी रखना है जब तक कि दुष्ट आत्माएं आप में से निकल ना जाए। मेरे जो छुटकारा हुआ, कई जो मेरे अंदर जो गढ़ थे दुष्ट के, उनको कई साल लगे निकालने में। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी आज़ाद किए जाएं, और हो सकता है कि आप 2 दिन में आज़ाद किए जाएं। ये भी हो सकता है कि आप यकायक आज़ाद किए जाएं, या हो सकता है 1 हफ्ता या 10 साल भी लग सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं नहीं जानता, ये छोटा भी हो सकता है, ये लंबा भी समय ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर आपको निरंतर इसमें लगे रहना है। और एक दफ़ा आज़ाद होने के बाद आपको उसकी चौकसी भी करनी है, क्योंकि याद रखो कि हम शरीर के अंदर, हम शरीर में रहते हैं और कई दफ़ा शरीर हमारे पे गालिब आता है। और जब हम शरीर हमारे पे गालिब आ जाता है तो हम गुनाह और मौत के अधीन हो जाते हैं। और जब हम गुनाह और मौत के अधीन हो जाते हैं उस समय हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं घुस जाती। और इसलिए जब हम जानबूझ के गुनाह करते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आप छुटकारा तो पाने के लिए आप शुरू तो करते हैं, पर मसीह के साथ चलने को भी तैयार हो जाते हैं, और आप उसके साथ साथ आप अपने बच्चों पे गुस्सा होने लगते हैं, या आप अपनी पत्नी पे गुस्सा होने लगते हैं, या पत्नी अपने पति पे गुस्सा होने लगती है। उस मौके के ऊपर जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं के अपने अंदर घुसने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि हम शारीरिक रूप से चल रहे हैं। और फिर जरूरी होता है कि हम उस दुष्ट आत्मा को जो हमने अपने अंदर समा लिया उससे आज़ाद किए जाएं, और परमेश्वर हमको उनसे आज़ाद करने में कादिर है और वो हमको आज़ाद करता भी है। आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आपके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, क्योंकि यदि आप फिर परमेश्वर की उस सलीब के नीचे, मसीह की सलीब के नीचे जाएंगे और उससे मिन्नत और इल्तिजा करेंगे कि वो आपको आज़ाद करे, तो वो आपको उससे आज़ाद करेगा, क्योंकि वो वफादार है। आमीन। तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से खांसी के द्वारा, उबासी के द्वारा, छींक के द्वारा निकलने लगते हैं, और वो हमें करते रहना है, और शैतान को, दुष्ट आत्माओं को हुक्म देते रहना है कि हमारे अंदर से वो बाहर निकलें इस रूप से। हाँ, कई दफ़ा तो वो ऐसा होता है कि वो हमारे अंदर से यकायक निकल जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर से निकल गए। हाँ, ना तो खांसी होती है ना कुछ और ऐसा बाहरी रूप से हमें महसूस होता है, और वो खामोशी से हमारे अंदर से बाहर चले जाते हैं। कई दफ़ा तो वो यकायक हमारे अंदर से निकल जाते हैं बिना हील हुज्जत के, और कई दफ़ा खांसी के द्वारा निकलते हैं। ऐसा क्यों भिन्न भिन्न रूप से होता है उसके बारे में मुझे नहीं कुछ पता। और वचन के अंदर हम पाते हैं मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकालता था तो कई दफ़ा लोग मूर्छित होकर गिर जाते थे और उनके मुंह से झाग निकलती थी। हाँ, ये नहीं मैं जानता, मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों होता था, तो क्यों दुष्ट आत्माएं निकलते थे इस तरीके से, पर मैं ही जानता हूं कि वो निकलते थे। और मैं एक चीज मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि क्योंकि ये इतने दुष्ट होते हैं और इतने गंदे होते हैं, इसी सबब से ये इन रीति से और इन रूप से निकलते हैं। और उनको जब वो निकलते हैं तो वो जिसके अंदर से निकलते हैं उनको भी बड़ा परेशान करके निकलने की योजना में आते हैं। मैं यूं समझो कि वो बड़े ही नफरत के योग्य हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि यही सबब है कि वो ऐसा होने देते, वो ऐसा करके निकलते हैं। पर ये कोई यूं ना समझिएगा कि ये ही एक तरीका है, ये मेरा अपना एक विश्वास है, मैं आपको बता दूं। आमीन। और अब जबकि आप इत्मीनान से हो गए हैं, तसल्ली से बैठे हैं, और अपने आप को, अपने शरीर को बड़े आराम से छोड़ दीजिएगा, ढीला करिएगा और तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिएगा ताकि इस डिलीवरेंस प्रोसेस या इस छुटकारे के योजना को अपने अंदर पूरा होने दें। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज आप अपने आप को तैयार करें कि मसीह के संग उस सकड़े रास्ते पे चलें, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप मुक्त, पूरी तौर से मुक्त किए जाओगे। क्योंकि जरूरी है कि आप उस सकड़े रास्ते को चुनें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि उस रास्ते को चुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। और चौड़ा वो रास्ता है जो हलाकत को ले जाता है, और बहुतेरे हैं जो उसके ऊपर दौड़े चले जाते हैं। और ये चौड़ा रास्ता है, ये दुष्ट आत्माओं का रास्ता है। हाँ, अब आप कईयों का ये भ्रम है कि मैं तो दुष्ट आत्माओं पर विश्वास ही नहीं करता, दुष्ट आत्मा कोई चीज है ही नहीं, और मसीहों के अंदर तो दुष्ट आत्मा ठहर ही नहीं सकता। ये वो चौड़ा रास्ता है जो कि हलाकत को ले जाता है, और सकड़ा वो रास्ता है जिसके ऊपर हमें चलना है। और उस सकड़े रास्ते के ऊपर चलते समय हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, और उनकी बंधुआई को और उनकी लानत को जो कि हमारे ऊपर है, बाप दादा से चली आती है, उनको तोड़ना है, जैसा कि हम गलतियों 3:13 के अंदर पाते हैं। और जैसा कि गलतियों 3:13 के अंदर हम पाते हैं, हमें इन दुष्ट आत्माओं को जो कि हमारे विरुद्ध में आते हैं, उनको हमको खदेड़ना है और अपनी जिंदगियों में से निकालना है। और हमको ये निरंतर करते रहना है जब तक कि हम उस जलाल के अंदर दाखिल ना हो जाएं, जब तक कि हम उस अवधि जिंदगी के अंदर ना आ जाएं और इन सब अपने गुनाहों के ऊपर गालिब आ जाएं, और अपनी दुष्टता के ऊपर जो कि हमारे अंदर डेरा करता है उसके ऊपर गालिब आए। क्योंकि वो जो हमारे अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा सामर्थी है जो कि इस दुनिया के अंदर है, और वो ही मसीह है जो कि हमारे को कुवत और ताकत देता है। और परमेश्वर का धन्य हो जो कि हमें मसीह के द्वारा, जो कि हमारा प्रभु है, हमें जयवंत बनाता है। परमेश्वर वफादार है और वो चाहता है कि हम आजाद किए जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीवन में क्या किया है, परमेश्वर आप इच्छुक है कि आपको क्षमा करे। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है, क्योंकि परमेश्वर इच्छुक है कि आपको सामर्थ्य दे कि आप उनको भी माफ कर सकें। और यहाँ पे जो दो सबसे बड़े झूठ हैं जो मैं मांगता हूं कि आप उनको समझ सकें, वो ये है। और जो सबसे बड़ा झूठ है वो शैतान हमको, मसीहों को ये देता है कि मसीहों के अंदर तो दुष्ट आत्मा समा ही नहीं सकता। ओ, मसीहों के अंदर दुष्ट आत्मा, नहीं, तुम तो नए सिरे से उत्पन्न हुए, तुम्हारे अंदर कैसे दुष्ट आत्मा समाएगा। ओके। और दूसरा जो झूठ वो ये है कि हाँ, तुम अपना छुटकारा कर रहे हो और आप तुम में से बहुत से दुष्ट आत्माएं निकल गई, तो आप झूठ देगा, शैतान ऐसा भ्रम आपको देगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, अब मेरे में से सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई, सारा कूड़ा करकट जो था वो निकल गया और अब मेरे को और छुटकारे की आवश्यकता नहीं। और ये एक और दुष्ट का, शैतान का झूठ है जो कि हमें वो देता है। और शैतान का एक और धोखा ये है कि मैं देखता हूँ आमतौर पे कि लोगों के बीच में कि लोग को थोड़ा सा छुटकारा मिलता है और वो थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि बिल्कुल सब कुछ हो गया, और वो वहीं पे ठप हो जाते हैं। और ये लोगों के अंदर, भीतर आत्मा के अंदर पुश्तानी उनके ऊपर लानतें हैं, जिसके सबब से उनके अंदर वो जड़िया गए हैं। और उनको निकालने के लिए जरूरी है कि हमें उस सकड़े रास्ते के ऊपर मसीह के संग संग चलना है। रोज की जिंदगी के अंदर हमें उसके साथ साथ चलते रहना, उससे लिपटे रहना है, ताकि वो इन चीजों को हमारे अंदर से निकाले। क्योंकि जब हम उसको अपने सच्चे दिल से उसको ढूंढेंगे, उसको खोजेंगे, तो हम उसको अवश्य पालेंगे। और वचन बड़ा साफ कहता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो यीशु मसीह के अंदर। और वचन ये भी कहता है कि कोई भी ऐसा हथियार तुम्हारे विरुद्ध कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम मसीह के हो। और कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परेशानी से होके गुजर रहे हो, पर एक चीज आप हमेशा याद रखो कि परमेश्वर आपके संग है और आपके खिलाफत में नहीं। और इसलिए आपको अवश्य वो छुटकारा देगा। छुटकारा लेना आपका काम है, और हमें शैतान को हुक्म देना है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर से निकले, हमारी आत्मा के अंदर से निकले, ताकि वो हमें फिर ना सताए। और अब समय आ गया है कि आप छुटकारा पाएं अपने मानसिक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से। और अब समय आ गया है कि आप खुशहाल हो, और आपके अंदर से जो लानतें हैं, जो कि आपकी पुश्ताना लानतें आपके अंदर हैं, वो मसीह के नाम से आप उनसे आजाद किए जा सको। क्या आप तैयार हैं? क्या इस छुटकारे के लिए सचमुच में आप तैयार हैं? आज ही का दिन छुटकारे का दिन है। आमीन। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ प्रार्थना करें, और जो मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पीछे पीछे आप भी बोलें, और बड़े इत्मीनान से इस प्रार्थना के अंदर आप मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर मसीह महिमा पाए। हालेलुया। प्यारे मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे लहू के लिए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं आज आजाद किया जाऊं, और मैं चाहता हूं कि आज से ही मेरा छुटकारा शुरू हो जाए, और मैं उस सगड़े रास्ते के ऊपर चलने को तैयार हूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझको सिखा कि मैं किस तरीके से अपने सारे दुष्ट आत्माओं को अपने भीतर से निकालूं, क्योंकि मैं पश्चाताप की हालत में अपने सारे पापों का इकरार करता हूं। मसीह, तू जानता है कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, और मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि सलीब के ऊपर तू मेरी खातिर मुआ, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि तू मुर्दों में से जी उठा। और मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझको बचा लिया, और खास तौर से धन्यवाद करता हूं तेरे उस बेशकीमत लहू के लिए जिसने मेरे सारे पापों को ऊपर को ढांक लिया। मैं अपनी सारी बदकारी का इकरार करता हूं, मैं अपने सारे गुनाहों से पश्चाताप करता हूं, और मैं तमाम पुश्ताना लानतों को और उन सब बातों को जो कि मेरे बाप दादाओं ने किए, उन सब का इकरार करता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि प्रभु तू मुझको क्षमा कर और इन पापों से मुझको आजाद कर। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं नए सिरे से तुझ पर विश्वास करने के सबब से उत्पन्न हुआ। प्यारे मसीह, और मैं ये भी विश्वास करता हूं मसीह के तेरे पे विश्वास करने के सबब से मैं मुकम्मल और कामिल हो जाऊंगा। प्यारे मसीह, मेरे को ऐसा फजल कर, मेरे पे ऐसी दया कर कि मैं तौबा कर सकूं, और मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूं जो मेरे विरुद्ध में आए हैं, और मैं तेरे संग संग उस सकड़े रास्ते पे चल सकूं। मैं शैतान से नफरत करता हूं, और जो कुछ उसने मेरे जीवन में किया मैं उससे नफरत करता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर लानतें बनी रहें। हे मसीह, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए लानत बना जबकि तू क्रूस पर टंगा था, और अब मैं उस शरीयत के अधीन नहीं, क्योंकि मैं अब फजल के अधीन हूं जो कि तुझ में पाया जाता है। और मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझको सारी बदकारी से, मेरी सारी कमी घटियों से, मेरे सारे पापों से आजाद किया इसी समय। आमीन। और मैं खुश हूं कि तुमने दिल से इस प्रार्थना को मेरे साथ बोला, और इसलिए मैं जल्दी से प्रार्थना करता हूं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुमकिन किया, मेरे को ये समझ दी कि मैं इसको तैयार कर सकूं ताकि बहुतेरों को काम आ सके। हे पिता, मैं कभी भी, जबकि मैं पागल खाने में था, मैंने कभी भी ये ना सोचा था कि तू इस कमी को मेरे इस तरीके से पलटेगा और लोगों की बेहतरी के लिए उसको बना देगा। और प्रभु, जबकि मैं कैलिफोर्निया की सड़कों के ऊपर नंगा था, घूमता था, तो प्रभु मैंने कभी भी ये मेरे ख्यालों में भी नहीं आया कि तू इसको पलट के इस कदर उसमें से अच्छी चीज निकाल देगा। पर परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू वफादार है, और तेरा कहना है कि सब चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के मुताबिक चलते हैं। हे पिता, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ का, मसा का। और मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा इस जोर से उतरे जैसे कि प्रभु जी बाला खाने में उतरी थी, जैसे कि एक बड़े आंधी की से आवाज के साथ आई थी। प्रभु वैसा होने पाए। और प्रार्थना करता हूं कि तेरे पाक फरिश्ते उतर के आए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय सेनाएं उतर के आए, ताकि प्रभु जी ये लोग जो कि प्रभु जी शैतान के सताए में है, दुष्ट आत्माओं के सताए में, वो आजाद किए जाएं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह तूने मेरी मदद की, और जिस तरह से तू मेरी आज भी मदद करता है, ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं और उसे जंग लड़ सकूं। और प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं इस सच्चाई के लिए कि मसीहों के बीच में भी दुष्ट आत्माएं समा सकती हैं। हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि हम मसीह के खून खरीदे हैं, और हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसके अंदर किसी भी किस्म का दुष्ट आत्मा समानी नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हमारा आत्मिक मनुष्य जो मेरे अंदर वास करता है, वो तो हमेशा के लिए मोहर बंद किया गया है, किंतु प्रभु जी बाकी का शरीर और मेरी जो आत्मा है प्रभु जी, उसकी भी सफाई होनी बड़ी अवश्य है। और बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह के मसीह ने उस मंदिर के अंदर गया, और वो जो पैसा लेने वाले थे और वो जो चोर चुक्के वहां पे बैठे थे, उनको उसने वहां से हटाया। हे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इसी प्रकार उसी रीति से प्रभु जी तमाम लोगों को भी तू चंगाई दे, और उनकी जिंदगियों से हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की दुष्ट आत्मा, हर किस्म की बीमारी उनके अंदर से निकाली जाए, और सब चंगे और भले किए जाए। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरी उस वफादारी के लिए कि तूने अपने हमको और अपनी दुल्हन को जो कि मसीह की दुल्हन है कलीसिया, उसको तूने पाक और शुद्ध किया। और मैं मांगता हूं कि परमेश्वर तेरा तरस और तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम लोगों के ऊपर उंडेला जाए। शुक्र हो प्रभु तेरा। और शैतान, मैं तुझको बता देता हूं कि अब तेरे से पलटा लेने का और तुझको वापस करने का समय आ गया। और तमाम दुष्ट आत्माओं में तुमको बांधता हूं इसी समय जो कि इन लोगों के भीतर और इन लोगों के चारों ओर है, क्योंकि अब समय आ पहुंचा है कि शैतान तुझको सब कुछ लौटाना है। और शैतान, मैं तुझसे नफरत करता हूं। शैतान, तूने मेरे को लोगों के बीच में नंगा किया और तूने मेरा ठट्ठा और मजाक उड़वाया, और अब समय आ पहुंचा है कि मैं तेरा ठट्ठा और मजाक लोगों के बीच में करूं। अय दुष्ट, इसलिए शैतान और अय दुष्ट आत्माओं, तुमको इन लोगों को छोड़ना है। ये परमेश्वर के हैं और ये परमेश्वर के बर्रे के लहू के द्वारा जो आजाद किए गए हैं, और इनके पापों को, इनको माफी दी गई है। और तुझको यहां से जाना है, क्योंकि ये लोग मसीह के संग संग उस सकड़े रस्ते पे चलेंगे, और मसीह के अंदर ये जयवंत से बढ़ के हैं। और इसलिए शैतानी दुष्ट आत्माओं में तुमको बांधता हूं, और शैतान तेरी ओर से भेजी गई लानतों को मैं बांध देता हूं। और मैं उस सारी चीजों को जो कि इस छुटकारे को रोकती हैं, उन सबको भी मैं बांध देता हूं। और शैतान, तुझको यहां से निकलना है, क्योंकि तू दुष्ट है और तू गंदा है, और मैं तेरे से नफरत करता हूं। अब मैं क्या चाहूंगा कि आप करो, क्योंकि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया और माफी मांगी है, और अब आप आजाद हैं जाने के लिए। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने पेट के ऊपर अपने हाथ को रखो, अपने सर पे रखो, और मैं चाहता हूं कि आप केवल ये बोलो, यीशु नासरी के नाम में मैं हर शैतानी सामर्थ को जो कि मेरे शरीर के अंदर है और मेरे मानसिक रूप में डेरा किए बैठी है, उन सबको मैं बांधता हूं यीशु नासरी की इख्तियार को लेके। तो तुम सबको मैं हुक्म देता हूं कि तुम निकल के आओ, और मैं हुक्म देता हूं कि इसी समय निकल के आओ, क्योंकि ये चिन्ह उन लोगों के बीच में होंगे जो कि मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को लताड़ेंगे और निकालेंगे। और मैं इसी समय हुक्म देता हूं तमाम बीमारियों को, तमाम उत्तेजनाओं को, तमाम सताओं को, तमाम बुत परस्ती को, कि इसी समय निकल के आओ यीशु नासरी के नाम से। और दुष्ट, मैं तुझको हुक्म देता हूं कि इसी समय मुझ में से निकल के आ, निकल गया। हाँ, तुम बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। यीशु नासरी के नाम से निकल के आ मुझ में से, इसी समय निकल। और शैतान, मैं तुझसे नफरत करता हूं, तुझको मेरे दिमाग में से, मस्तिष्क में से निकलना है। तू निकल के आएगा। तो ये सारी जो आवाजें मुझको सुनाई देती हैं, पागलपन की, या मेरे पर डिप्रेशन है, या मेरे मानसिक रूप से मैं पीड़ित हूं, इसी समय मेरे में से निकल के आओ। ओ यीशु नासरी के नाम से इसी समय निकल के आओ, जो कि मेरा प्रभु है। और तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम इसी तरह से करते रहो। ओ, कई हैं जो कि जिनके अंदर से ये दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, जो कि खांसी और फरक फरक रूप से निकलती हैं। करते रहो और उनको हुक्म देते रहो, और वो खांसी के रूप में या उबासी के रूप में तुम्हारे अंदर से बाहर निकलेंगी, और उनको निकलने दो, और तुम इसमें लगे रहो। और यीशु नासरी के नाम से मैं इसी समय हुक्म देता हूं तमाम दुष्ट आत्माओं को, मेरे शरीर के अंदर से और मेरे मानसिक जकड़न में से, इसी समय निकल के आओ, निकल के आओ इसी समय। और इसी समय यीशु नासरी के नाम से मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुम सामने आओ और निकल जाओ मेरे अंदर से। यीशु के नाम से निकल के आओ, मेरे अंदर से निकल के आओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मैं तुमको हुक्म देता हूं यीशु नासरी के नाम से निकलो, यीशु के नाम से निकल के आओ। ओ गुस्सा और ना माफ करने की तबीयत मेरे अंदर से निकल के आओ। ओ तमाम इन गर्द सबके सब, हर किस्म के निकल के आओ, तमाम निकल के आओ यीशु नासरी के नाम से इसी समय। हाँ, तुम बढ़िया कर रहे हो। हाँ, ये सही है कि आप शैतान के ऊपर गुस्सा होते हैं और उससे नफरत करते हैं और उसको हुक्म देते हैं कि निकले। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा करना है और उससे आपने नफरत के सबब से आपने उसे ऐसे बोलना जैसे कि आप पागल हैं उससे। और इस समय मैं हुक्म देता हूं और तुझे कहता हूं कि तू निकल, क्योंकि मैं तुझसे बहुत सीरियसली तुझसे कह रहा हूं कि तू निकल आ यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देता हूं कि निकल के आ। यीशु नासरी के नाम से हुक्म तेरे को दे रहा हूं कि तू निकल। हर किस्म का जो टूना टोटका, हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की तकलीफ को मैं हुक्म देता हूं यीशु नासरी के नाम से निकल के आए। हर एक प्रकार की मानसिक पीड़ा और मानसिक परेशानी और मानसिक बीमारी को मैं हुक्म देता हूं यीशु नासरी के नाम से निकल के आए। और यीशु नासरी के नाम से आप ये करते रहिएगा, इनको बाहर निकालते रहिएगा। जो कुछ भी आपके दिमाग में ख्याल आता है जिस भी बीमारी का, उसके बारे में कहिए चाहे वो लोग लालची का क्यों ना हो, हुक्म दीजिए कि वो निकले तुम्हारे दिमाग। हाँ, भूख का लालसा करने हर समय प्रभु जी उसको भी हुक्म दीजिएगा कि ये सुनाजी के नाम से वो तुम्हारे अंदर से निकले। और औरतों के लालसा करने की जो इच्छा है उसको हुक्म दीजिए ये सुनासनी के नाम से कि वो आपके शरीर से बाहर निकले। ये सुनासनी के नाम से हुक्म दो कि अगर तुम्हारे को पुरुषों की लालसा है वो तुम्हारे अंदर से बाहर निकले। और स्त्रियों के साथ स्त्रियां जो व्यभिचार करती हैं उसको हुक्म दो कि वो निकले। और पुरुषों के साथ पुरुष जो व्यभिचार करते हैं उसकी आत्मा को हुक्म दीजिए कि वो निकले। और यह जो कि जो व्यभिचार जानवरों के साथ करते हैं मनुष्य उसके खिलाफ उन दुष्ट आत्माओं को हुक्म दीजिए कि वो तुम्हारे में से निकलें। और हर किस्म के व्यभिचार को हुक्म दीजिए कि वो निकलें। वो जो कि बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं उस आत्मा को हुक्म दीजिए कि वो तुम्हारे में से निकलें। और वो दुष्ट आत्माएं जो कि व्यभिचार करती हैं, जबरदस्ती करते हैं, उनको भी हुक्म दीजिए कि वो निकलें। यीशु नासरी के नाम से वो निकलें। गुस्सा और नफरत यीशु नासरी के नाम से तुम्हारे में से निकले। निकलो दुष्ट आत्माओं, इसी समय निकलो यीशु नासरी के नाम से। बेसब्री और दूसरे का बुरा मान लेना इसी समय हमारे अंदर से निकले। और ये करते रहिएगा और हुक्म दीजिएगा इस सारे हर किस्म के दुष्ट आत्मा को कि वो आपके भीतर से निकले। इसी समय निकल के आओ दुष्ट आत्माओं। ओ कत्ल करने की दुष्ट आत्मा इसी समय निकल के आ। ओ नफरत करने की दुष्ट आत्मा इसी समय निकल के आ। ओ दुष्ट आत्माओं इसी समय निकल के आओ, इसी समय निकल के आओ। ओ इसी समय ना माफ करने की आत्मा निकल के आए। ओ दूसरों के प्रति ना उनको क्षमा करने की आत्मा और दूसरों के प्रति नफरत रखने की आत्मा निकल के आए। ओ मेरे दिल के अंदर से और मेरी आत्मा के अंदर से निकल के आओ। ओ दुष्ट आत्मा निकल के आओ। ओ यीशु नासरी के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूँ इसी समय निकल के आओ। निरंतर करते रहो। और हर दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ कि मेरे मन से निकले, मेरे दिमाग से निकले। और हर दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उल्टी कर रहे हैं या आपको खांसी आ रही है, पर उसको निरंतर करते रहिए। हाँ, चाहे आप उबासी ले रहे हो या छींक मार रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप करते रहिएगा, क्योंकि इसी रीति से सारे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। पागलपन की बीमारी निकल के आ। ओ पागलपन की बीमारी तो निकल के आ। ओ मेरे दिमाग से ये दोहरापन होता है उसको हुक्म देता हूँ कि निकल के आए। ओ शक करना और विश्वास न करने की आत्मा मुझ में से निकले। ओ मेरे दिमाग से निकले। ओ जो आवाजें मैं सुनता हूँ मेरे अंदर से निकले। ओ दुष्ट आत्मा जो कि आवाजों के रूप में मेरे पे हमला करती है उसको मैं हुक्म देता हूँ कि निकले मुझ में से। ओ सारे दुष्ट आत्माओं निकल के आओ। ओ भय की आत्मा मुझ में से निकले। ओ तेजित रहने की आत्मा मुझ में से निकले। ओ भय की आत्मा निकल के आए। बाहर निकलो, मुझ में से निकलो, इसी समय निकलो। ओ निकलो 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 इसी समय मुझ में से निकलो। सू के नाम से इसी समय निकलो। ओ हर किस्म की लालसा, नशे की, ड्रग्स की इसी समय हुक्म देता हूं कि निकले। ओ शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने की जो नशा है उसको मैं हुक्म देता हूं। मरवाना का नशे को मैं हुक्म देता हूं कि निकल के आए। ओ कोकीन की लालसा की आत्मा को मैं हुक्म देता हूं कि निकले इसी समय। ओ इसी समय निकल जाए। ओ नशे, शराब के नशे को मैं हुक्म देता हूं कि निकले। ओ शराब के नशे के दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूं निकले। ओ पुश्ताना नशे की आत्माओं को मैं हुक्म देता हूं कि निकले। यीशु नासरी के नाम से निकल के आए। तुम बढ़िया कर रहे हो और शैतान को हुक्म देते रहो कि निकल के आए, जो कुछ भी क्यों ना हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप जितनी दफा चाहें इसको बार बार बजाइएगा और सुनिएगा, पर याद रखिएगा मैं आपका चंगा करने वाला नहीं, ना मैं आपका छुटकारा देने वाला हूँ, क्योंकि वो केवल मसीह यीशु नासरी है। और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा इस सारे इसका सारे कार्यक्रम के अंदर। और अगर आप उसके खोजी हो जाएंगे और उसके संग संग उस सकड़े रस्ते पे चलने को तैयार होंगे तो वो आपको दर्शाएगा। हालेलुया। और ये कहते रहिएगा, शैतान को हुक्म देते रहिएगा, लताड़ते रहिएगा कि वो निकले आप में से। दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और शैतान निकलेगा। इसी समय मुझ में से निकले। ओ दुष्ट मुझ में से निकल के आ। इसी समय निकल, इसी समय निकल जा। और इस तरह से करते रहिएगा। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप अपनी प्रार्थना में हैं, घर के अंदर हैं, तब भी आप कर सकते हैं। हाँ, जब परमेश्वर की इबादत होती है, इबादत गाह के अंदर भी आप कर सकते हैं, जहां कहीं पे भी आप होएं। ओए दुष्ट आत्मा निकल के आ, दुष्ट निकल के आ, और इसी समय मुझ में से निकल के आ। और जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होए कि शैतान आप पे हमला कर रहा है या बलवा आपके अंदर आ रहा है, आपकी सोच में या आपके दिल के अंदर, फौरन उसको हुक्म दीजिएगा कि वो आपके अंदर से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम से। आप दुष्ट आत्माओं को बांध सकते हैं और उनको हुक्म दे सकते हैं कि वो आपके अंदर से निकलें। कभी भी भय की आत्मा आपको सताए, आप उसी समय उसको बांध सकते हो और उसको हुक्म दे सकते हो कि वो आपसे अलग होए और आपको आजाद करे। और बहुत ही जल्दी जब आप ऐसा करते रहेंगे और आप अपने आप को देखेंगे कि आप मुक्त किए जा रहे हैं और आप आजाद किए जा रहे हैं, और इस सकड़े रास्ते पे जब आप चलते हैं, पर आपको इस छुटकारे को निरंतर करते रहना। हालेलुया, इसमें निरंतर लगे रहो और अपने अंदर से दुष्ट आत्माओं को लताड़ के निकालते रहो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु तेरा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीडी ने आपकी मदद की होगी और आप अपने इस छुटकारे के प्रोसेस को, छुटकारे को आरंभ कर सकें। और ये एक तरीका है जिसके अंदर आप लगे रहेंगे, और जब तक परमेश्वर आपको पे अनुग्रह करे आप इसके अंदर लगे रहिए। इसके बारे में बहुत सी पुस्तकें भी आप पाएंगे। आप वेबसाइट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर की वेबसाइटों पर जा सकते हैं ऑनलाइन, और वहां पे भी आप इसके बारे में पा सकते हैं। हाँ, आप गूगल के द्वारा भी आप इन किताबों को हासिल कर सकते हैं। हाँ, मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सी फर्क पर भिन्न भिन्न चीजें पढ़ी हैं, और मैंने छुटकारे को पढ़ा भी है उसके बारे में, और दूसरे लोगों को छुटकारे के बारे में उनको मुक्ति भी दिलाई है। पर जो एक चीज मैंने पाई है जो कि कामयाब होती है और हमेशा सिद्ध होती है, और वो ये है कि शैतान को हुक्म देना और उसको, उसके ऊपर इख्तियार लेना और उसको लताड़ के बाहर निकालना, और जिनके अंदर से निकालना ताकि वो लोग तौबा करें। केवल शैतान को हुक्म देना कि वो निकले और उस जन को जिसके अंदर से निकल रही है वो तौबा करे। ना तो दुष्ट आत्माओं से बात करना, ना उनकी बातों को सुनना, सिर्फ उनको हुक्म देना कि वो निकले। और सचमुच में मैंने यही पाया। और वो लोग जो कि भीतरी चंगाई को हासिल करना मांगते हैं, और आप केवल पवित्र आत्मा के खोजी हो जाइएगा, और पवित्र आत्मा ही है जो आपको अंदर से चंगाई देगा। क्योंकि कलाम साफ कहता है, वचन परमेश्वर का साफ कहता है कि यदि आप सच्चे दिल से परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे तो आप अवश्य उसको पा लेंगे। अगर केवल आप उसमें निरंतर लगे रहिएगा और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। अगर उसने मुझको पागलपन की बीमारी से, जो कि जिसकी कोई इलाज ना था, उससे मुझको आजाद किया, वो आपको भी अवश्य चंगाई देगा। आप जिस किस्म की भी पीड़ा में से क्यों ना जाते हो, आपको केवल उस सकड़े रास्ते के ऊपर चलना है, और फिर आपको उसके ऊपर उस राह पे चलते रहना है, और परमेश्वर आपको दिखाएगा, और वो दिखाएगा कि वो वफादार है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर तो इतना भला है, क्योंकि उसने मुझको कहा कि इस सीडी को मैं तैयार करूं और उसकी कई कॉपियां बनाऊं ताकि बहुत तेरे लोग उससे आशीष पा सके, ताकि वो इस सीडी के द्वारा जाने, परमेश्वर की सच्चाई को जाने और उसके वचन को पढ़ें और इस अपने छुटकारे के अंदर वो लग जाएं। अब मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करें। अगर परमेश्वर ने आपके दिल के अंदर ये डाला है तो आप इस सीडी की एक कॉपी बनाएं या कई कॉपीज बना लें, या भले ही आप इसकी सैकड़ों कॉपियां क्यों ना बना लें। और आपसे विनती करूंगा कि आप अपने लोगों के बीच में इनको, अपनी कलीसिया के अंदर इन लोगों को बांटें। अपने पासवानों को भी सीडीज बांटें। उन लोगों को दीजिएगा जो कि छुटकारा मांगते हैं, उन लोगों को दीजिएगा जो कि अपनी जिंदगियों के अंदर चंगाई मांगते हैं और मौजज़ों को मांगते हैं, और उस सीडी को आप दे दीजिएगा। क्योंकि ये सीडी आपको मैंने मुफ्त दी, क्योंकि मैं मांगता नहीं कि इस सीडी के ऊपर मैं कोई भी पैसा, आप इसकी कीमत आपसे लूं। हमारी वेबसाइट के ऊपर ये मुफ्त दी जाती है। हम इच्छुक हैं कि हम आपको ये सीडी मुफ्त में भेज दें, पर मैं मांगता हूं कि आप सबको मैं कहूं कि आप इस सीडी को दे, लोगों को आगे बांटें, ताकि लोग इसको सुने और मसीह के साथ उस सकड़े रास्ते पे चलने को तैयार हो और अपने छुटकारे को पाएं, और वो भी आजाद किए जाएं और इस आत्मिक युद्ध के बारे में सीख सकें। और कृपया आपसे मिन्नत करता हूं और इल्तिजा करता हूं कि आप को ईमेल के द्वारा हमारी वेबसाइट के ऊपर आएं और बताएं कि किस तरीके से सीडी ने आपको आशीषित किया। और हमारा जो वेबसाइट है वो www.thefathersfriends.org के नाम से है।